नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल वंस अगेन. स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से. सो फ्रेंड्स, टाइम आ गया है गिव अवे विनर अनाउंस करने का. आई नो मैंने बहुत देर कर दिया है, बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ, बहुत लेजी हूँ वीडियो बनाने में. एंड आप सबके आइडियाज़ मुझे मिल गए हैं और उसकी एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगी. आज सिर्फ मैं एक गिव अवे विनर अनाउंस करूँगी. एंड एक छोटी सी रिक्वेस्टेड वीडियो थी किचन को लेके, तो वो एक छोटा सा पोर्शन जो बैंगलोर से स्टिकर्स आए थे, किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि दीदी प्लीज़ वो लगा के दिखा दीजिए कैसे लगे हैं, तो वो मैं दिखाने वाली हूँ वीडियो के लास्ट में. गिव अवे विनर मैं अनाउंस नहीं करूंगी, गिव अवे विनर मैंने प्रमोद से अनाउंस करवाए हैं. तो प्रमोद, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि तुम बारिश में भीगते हुए गए और हमारे लिए वीडियो भी शूट करके भेज दी है, थैंक यू सो मच. और ये वीडियो तो तुमने ही खैर अनाउंस करनी थी, रीज़न ही यही था, वो रीज़न बाद में पता चल जाएगा क्यों. एंड मैं बोलना चाहूँगी आप सबसे कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स लिखते हैं कि दीदी हमें गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपसे बात करनी है, हमें सिर्फ आपको देखना अच्छा लगता है. तो बेबी मैं कहना चाहूँगी कि गिफ्ट तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि आप किसी को प्यार करते हो, तो जताने का एक छोटा सा तरीका है, कुछ नहीं है. ये वो वाला चैनल नहीं है कि आओ सब्सक्राइब करो, आओ लाइक करो और सब्सक्राइबर बढ़ाओ, वो वाला चैनल नहीं है ये. तो हम पहुँच गए 25,000, कभी 30,000 ऐसे पहुँचेंगे. तो प्यार है कि हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है, तो ये बस प्यार है और कुछ नहीं है. तो इसको वैसे मत लिया करो, ये बस मेरा प्यार है, मुझे पहुँचाने दो आप तक, धीरे धीरे सब तक पहुँचाने दो. किसी तक मैं खुद आके दूंगी, किसी तक मैं यहाँ से पहुँचाऊँगी. तो जो भी आज विनर होने वाले हैं वो प्लीज़ अपना एड्रेस मुझे या तो मेरे इंस्टाग्राम में भेज दीजिए या फिर मेरे ईमेल आईडी पे भेज दीजिए. अभी मैं आपको लास्ट की वीडियो के लास्ट में मैं आपको दोनों का लिंक दे दूंगी, आप जाके मुझे वहाँ से अपने एड्रेस भेज दीजिएगा ताकि मैं यहाँ से डायरेक्ट सेंड करवा दूँ आप लोगों को, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. तो जो भी विनर हैं उन्हें मिलने वाली है आज एक स्पेशल वॉच जो कि है अनूप ब्रांड की तरफ से. और ये वॉच अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ मैंने एक दिन इसकी पिक्चर इंसर्ट की थी. तो जब मैं 25,000 पे पहुँची थी तो अनूप ने मुझे ये गिफ्ट दिया था छोटा सा. तो ये मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये गिफ्ट अपने सब्सक्राइबर्स को दूँ. जो मुझे 25,000 पे मिला है तो आपको भी 25,000 पे यही मिलना चाहिए. तो इसीलिए मैंने सिर्फ दो अनाउंस करे हैं क्योंकि जो मेरी लिमिट थी उसमें अगर मैं चार जनों को करती, ओके सॉरी, तो पहले सोचा तो ये था कि चार जनों को करूँगी, बट चार जनों में फिर वो क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दो दो विनर अनाउंस किया करूँगी और अच्छी क्वालिटी की चीज़ दूंगी. तो ये है अनूप ब्रांड की वॉच, इसका रिव्यू मैं अपनी किसी और वीडियो में करूँगी, इस वीडियो में नहीं करूँगी. इसमें सिर्फ फोटो इंसर्ट करके दिखाऊँगी. और तो ये जिसके भी पास ये आज वॉच जाने वाली है, नाम अभी अनाउंस हो जाएगा, उनको सिर्फ इतना करना है कि इसे ले जाना है घड़ी वाले के पास, क्योंकि ये फ्री साइज़ की आती है. आपको ले जाना है घड़ी वाले के पास, उससे अपने हाथ का साइज़ देना है और वो सिर्फ 20 रुपये लेगा और उसको आपके साइज़ का बना देगा. सिर्फ 20 रुपये लेगा, क्योंकि जब आप इसको पहनेंगे तो ये फ्री साइज़ में होती है, तब आपको फिट नहीं आएंगी. तो आपको ले जाके इसको तुरंत करवा लेना है ताकि आप पहन सको. जैसे मेरे पास आई थी तो मैं नेक्स्ट डे ले गई थी और फिर मैंने पहनना शुरू कर लिया. तो ये है वॉच आपकी. और ये जो कुर्तियाँ होती हैं अनूप ब्रांड की, उसी कंपनी की ये वॉच है. एंड वॉच बहुत अच्छी है, इसका रिव्यू मैं जरूर जरूर से करूँगी क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल वॉच है ये. एंड इसके लास्ट में मैं एक वीडियो और इंसर्ट करूँगी जो कि है किचन को लेके, जो बैंगलोर से आई थी स्टिकर्स उसको लेके, जिसको मैंने अपने किचन काउंटर पर चिपका दिया है, अच्छे से स्टिक हो गई है और काफ़ी अच्छी लग रही है. तो वो मैं आपको दिखा दूँगी, तो आप वो भी देख सकते हैं. एंड मैं कहना चाहूँगी कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको कि आप लोग मेरे संग बने रहे, मुझे इतना प्यार किया, पूरी फैमिली बन गए हैं हम लोग. वाकई में ये लगता ही नहीं है कि ये एक यूट्यूब चैनल है, ये सिर्फ एक फैमिली है मेरी. तो गिव अवे विनर्स के नाम मैं नहीं बताऊँगी, नाम के लिए देखिए ये वाली वीडियो. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मुझे जैसे अभी पता चला है सीमा दीदी के थ्रू कि आज उनका है चैनल पे गिव अवे, बिकॉज यू ऑल नो कि उनके सब्सक्राइबर जो है 25K हो चुके हैं. ओके, और जो आज का हमारी तरफ से गिव अवे है जो सीमा दीदी की तरफ से है, वो सिर्फ दो लोगों को हो जाता है. और जो पहला नाम है विच इज़ वेरी नोन टू मी इन सब्सक्राइबर लिस्ट ऑफ दीदी, विच इज़, बारिश बहुत हो रही थी, मैं अभी ऑफिस पहुँचा हूँ, बता दूँ. देखो
जो फर्स्ट सब्सक्राइबर जो कि विन विनर लिस्ट में जिसका नाम है नंबर वन पे, विच इज़ गोइंग टू, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मतलब एक दो बार कन्वर्सेशन भी मेरी उनके साथ चली है, विच इज़ इन द सेम चैनल मंजू बेस्ट. करेक्ट, नंबर वन इज मंजू बेस्ट. कॉन्ग्रेचुलेशन मंजू बेस्ट टू यू. एंड जो सेकेंड नेम है, बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं आया हूँ बारिश से, ठीक है, मैं तो भीग के आया हूँ, मुझे क्या मिलने वाला भाई? विनर तो आप लोग हो, सेकंड भी आप में से किसी को मिलने वाला, बट मुझे क्या मिलेगा? टेल मी, कुछ मिलेगा क्या? देखो कितना स्वेट कर रहा हूँ मैं, जैसे अभी पहुँचाऊँ तो मैंने एसी भी ऑन नहीं करवाया ऑफिस में, बिकॉज करेक्ट वेदर थोड़ा ख़राब है. हाँ तो सेकंड, शुड आई टेल? ओके, तो सेकंड विनर जो अभी इस लिस्ट में है, विच इज़ गोइंग टू रिया पटेल. करेक्ट, रिया पटेल, यस, सेकंड विनर इज रिया पटेल, यू आर करेक्ट. थैंक्स, थैंक्स टू बोथ ऑफ यू. तो कॉन्ग्रेचुलेशन मंजू बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेशन रिया पटेल, बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को. एंड मंजू बेस्ट, जीजू से स्पेशल ये वीडियो आपके लिए बनवाई है, क्योंकि आप बहुत जीजू लोगों की साइड लेती हो, तो मैंने जीजू से बोला करो अपनी सालियों का नाम अनाउंस, मैं नहीं करूंगी क्योंकि मैं तो इमरती हूँ. मंजू विश ने मुझे कहा कि दीदी इमरती हो, तभी तो जलेबी जैसे जीजा मिले हैं. तो बहुत ही फनी कमेंट करती है, पंच मारती है मंजू हमें, तो इसलिए बहुत मजा आता है. ऐसा लगता ही नहीं है कि आप लोग अनजान हो, ऐसा लगता है कि सच में हम पता नहीं कब से जानते हैं एक दूसरे को. और रिया पटेल तो इतने हक से बोलती है दीदी प्लाजो नहीं किया, और फिर गुस्से वाला मुंह भेजती है मुझे कि दीदी अभी तक प्लाजो सेट नहीं किया. तो ये प्यार लगता है मुझे आप लोगों का, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इतने हक से आप लोग अपना हक जताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और काफ़ी काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर हैं मेरे आप लोग, और आपका जितना बनता था, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस है आपको. एंड इस वॉच का रिव्यू मैं कभी एक दो वीडियो के बाद या जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं कर दूंगी. तो प्लीज़ इसको अपने साइज़ का बना लेना, तभी आपके हाथ में अच्छी लगेगी. सिर्फ 20 रुपीज़ लगते हैं, किसी भी घड़ी वाले के पास जाएंगे, मुझसे 20 रुपये लिए हैं उन्होंने, सिर्फ 20 रुपीज़ लगेंगे, अपनी फिटिंग का करवा लेना. ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल. Hey guys, तो जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ये लगाऊंगी जो बैंगलोर से आया था, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी. और किसी ने रिक्वेस्ट करी थी कि दीदी प्लीज़ अपनी किचन का वो सेक्शन दिखाए जहाँ लगाया है, तो पूरी किचन तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि लोग बहुत जजमेंटल होते हैं और जज करते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट क्वार्टर का किचन है इसलिए इतना अट्रैक्टिव नहीं है. बट ये देखिए, मैंने इस पे ये लगा दिया है जो मुझे बैंगलोर से रिसीव हुआ था, एंड ये बहुत प्रिटी लग रहा है, देख पा रहे होंगे आप. और ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी है इसका, चिपक गया बहुत अच्छे से, कहीं कोई इसमें वो क्या कहते हैं मोटा मोटा सा फूल जाता है वो सब कुछ भी नहीं हुआ है, आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से स्टिक हुई है. और जितना मैं कर सकती थी अपने हिसाब से मैंने खुद ही किया है इसको. और इस साइड मैंने इसको नहीं लगाया क्योंकि यहाँ बर्तन वगैरह धुलते हैं तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सिर्फ उतने हिस्से में लगाया है जहाँ पे मुझे ज़रूरत थी. ये देखिए, तो मेरी किचन स्पेस बहुत छोटी सी है, ये वाली किचन मेरा काफ़ी बड़ा है, बट जहाँ पे कुकिंग करनी है वो वाला स्पेस बहुत छोटा है. तो ये है वो स्पेस जहाँ मैंने इसको लगाया, देख पा रहे हैं आप कि ये कैसा लग रहा है लगने के बाद.